जितनी चीजें चली थी कि संधि होती क्या है एक्चुअल में और संधि में क्या क्या चीजें हम करते हैं। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे सीरीज होगी, एक तरीके से ये पूरी की पूरी संधि पर डिपेंड होगी। संधि से सवाल जो होते हैं, अभी SSSC फोकस हम हो या कोई राज्य सरकार की, आप चाहे PCS में भी बैठेंगे तो संधि से संबंधित अच्छे सवाल होते हैं। और अगर हम SSSC की बात करें किसी परीक्षाओं की, जैसे इस समय आपकी वैकेंसी चल रही UP SSSC वीडियो का एग्जाम हुआ, वीडियो के बाद मंडी परिषद का जो एग्जाम है, मंडी परिषद में हिंदी का जितना सिलेबस उसने टिप्पणी की है उतना सिलेबस ही आगे सारे एग्जाम में होगा, कल ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो आज जो मंडी परिषद में सिलेबस है उसका सिलेबस आप हिंदी का फॉर्मेट देखेंगे, उसमें चौथे पॉइंट के रूप में पहला पॉइंट तो आपका आप पठित गद्यांश है, और दूसरा पॉइंट उसने कमेंट किया है जियो, और आपका सेमी जो ऑफिशियल लेटर है, आपके जो वैयक्तिक पत्र होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न होंगे ही होंगे। आप वनरक्षक का पेपर उठाएं, वनरक्षक के पेपर में कम से कम हर सेट में 4 से 5 क्वेश्चन पत्र से संबंधित दिए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, आज जो हमारा टॉपिक है स्पेशली संधि, संधि के हर एक पॉइंट को कैसे सीखना है। अभी तक क्या होता है कि जैसे हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमारी मैथ थोड़ा सा जैसे बचपन से ही आदत होती है कुछ नया करने की, इस वजह से स्ट्रांग होती है। हम संधि को भी उसी रूप में पढ़ेंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपको 10 से 15 मिनट फोकस होना है, उसके बाद संधि पूरा अपने आप में कंप्लीट होगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जरिए मैं आपको बताऊंगा किसमें क्या चीजें चलती हैं। संधि में अगर हम देखें संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि को इंग्लिश में हम बोलते हैं ज्वाइनिंग। ठीक, ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि किसी चीज का मेल, अगर मेल हुआ तो सिंपल सी बात है, मेल तो कई चीजों में होती है, शब्दों के मेल से समास बनता है, हालांकि शब्दों के मेल से संयोग भी बनता है। संयोग जिसको क्या अपनी भाषा में हम बोलते नहीं, देहात वाले बोलते भैया संजोग रहा, सब घड़ी सही थी। संयोग एक्चुअल में होता है, शब्दों का मेल समास भी होता है, शब्दों का मेल संयोग भी होता है, लेकिन संयोग में फर्क ये होता है कि संयोग में शब्द ज्यों के त्यों बने रह जाते हैं, जबकि जब आप समास करते हैं तो समास में कोई ना कोई चीजें डिफरेंट मिलती ही मिलती हैं। वैसे वर्णों का मेल आपकी संधि होती है, लेकिन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अगर उसमें चेंज आया, परिवर्तन आया, वर्ण होते क्या है जिनको हम बोलते हैं, जब आ से आप स्टार्ट करते हैं आ ई उ, ये सारे के सारे ज्ञ तक जब आप बढ़ जाएंगे तो ये सब वर्ण हैं। वर्णमाला पिछला हमारा जो टॉपिक रहा उसमें डिस्कस हुआ वर्णों की संख्या, क्योंकि इसमें जो पॉइंट कमेंट किया है उच्चारण एवं लेखन के आधार पर आपको वर्णों की संख्या मालूम होनी चाहिए, उच्चारण के आधार पर आपको अलग अलग वर्ण मालूम होने चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्णों के उच्चारण में जो मुख्य रूप से स्थान होता है किनका, सबसे पहले कंठ, कंठ से ऊपर बढ़ते हैं तो जो गड्ढानुमा आकृति होती है, गले से ऊपर बढ़ेंगे तो गड्ढानुमा आकृति है वो तालु कहलाती है, तो तालब भी दूसरा आपका स्थान हुआ। तीसरा जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो जो फ्लैट ये सतह है, ठीक, ये मूर्धा होती है आपकी, तो कुछ वर्ण आपके मूर्धा से निकलते हैं, और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला जो पॉइंट होता है आपका होती है जीभ से भी कुछ स्वरों का हम उच्चारण करते हैं, दांतों से भी करते हैं, और नासिका से होता है। ठीक, कुछ ऐसे हैं जैसे हम कावर की बात करें, कावर में 5x5 की मैट्रिक्स जिनको आप स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन में जब पा फा बा भा मा इस पर आप जाएंगे तो इनका उच्चारण होठों से होता है। ठीक है, सा में कई ऐसे शब्द आते हैं जैसे आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन जिनमें शा शा सा, ठीक, जिसको आप सरोता वाला सा कॉमन सा बोलते हैं, ये जो सा है ये दंत सा है, क्योंकि इसको आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ होती है वो आकर के दांतों पर टच करती है, इसीलिए इसको दंत सा कहते हैं। और जो सलजम वाला आप पढ़ते हैं ये आपका तालबी सा है, क्योंकि इसका उच्चारण हम तालु से करते हैं। ठीक है, चलिए हम वर्णमाला पर फिर से आते हैं। अगर वर्णों का मेल हुआ और वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, एक बहुत कॉमन सी चीज है, देखिए यहां मैंने एक शब्द लिखा है राम, ठीक, इसका इस शब्द के उच्चारण में अगर हम देखें कितने वर्ण हैं, राम का जब आप उच्चारण करेंगे इसमें कितने वर्ण आते हैं, 4। वर्षा जी इसमें कितने वर्ण मिलके बने हैं, राम जो शब्द है, देखिए जब हम राम को इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, RAMA रामा, ठीक, क्यों, क्योंकि रा के बाद यहां पर क्या है आ है, फिर मां जब आप बोलते हैं तो मां के बाद भी आ आता है, इसीलिए इसमें वर्णों की जो संख्या है ये
चार है, ठीक। और हमेशा आप जानते हैं व्यंजन की परिभाषा ही यही है कि वह आपके वर्ण या वह ध्वनियां जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्वाइनिंग, यानी अगर दो वर्णों का मेल हो रहा है और उनसे उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है, में आपकी संधि कहलाती है। अगर दो वर्णों का मेल हुआ, जैसे मान लो देव है धन आलय लिखा हुआ है, ठीक। अब देव धन आलय ये तो दोनों शब्द हैं, लेकिन हमें वर्ण देखना है। इसमें जो मेल होता है पहले शब्द के अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। अगर पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, वा में आ छिपा है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका बड़ा आ है, तो आ प्लस बड़ा आ का मेल होगा और इससे बड़ा आ की मात्रा लगेगी, इसलिए देव धन आलय मिलके देवालय बनता है, ठीक है। यहां पर आप देव बोलेंगे अलग है ध्वनि पर जाए, देव आलय दोनों अलग अलग हैं, ध्वनियां दोनों की डिफरेंस है, लेकिन दोनों की जब संधि हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, तो देवालय एक अलग ध्वनि मिल गई, ठीक। यही संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब हम इसमें बढ़ते हैं कि संधियां होती कितने प्रकार की हैं, क्योंकि हमने स्वरों में पढ़ा है, इसमें वर्णमाला में पढ़ा है कि वर्णमाला जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आता है स्वर, उसके बाद आता है अयोग्यवाह स्वर, उसके बाद आता है व्यंजन। तो संधियां भी तीन प्रकार की होती हैं वर्णमाला में। पहली जो संधि का प्रकार होता है यह होता है स्वर संधि, और दूसरा जो प्रकार होता है संधि की यह होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी जो संधि होती है विसर्ग संधि होती है। क्योंकि अंक और आहा जो अयोग्यवाह स्वर है, इनको अंक को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं। इनसे पूछता है आपसे सवाल कि विसर्गों का उच्चारण कहां से होता है या अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है, तो नाक और मुंह दोनों से। अंक बोलेंगे तो नासिका से हवा निकलती है, और आहा बोलते हैं तो कंठ से हवा निकलती है, मुंह से हवा निकलती है, ठीक है। यह भी एक क्वेश्चन बनता है यहां से। तो संधि तीन प्रकार की होती है, पहला होता है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग। इसमें मेनली ये आहा वाला जो पार्ट है इसी का हम मेल पढ़ते हैं कि कहां पर कैसे मिलान होता है। तो इसमें सा मतलब तालब शाह, और जो आपका मूर्धन्य शाह है, और तीसरा दंत शाह है, इन तीनों को आपको देखने को यहां मिलता है, ठीक है। कहीं कहीं ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं, कहीं कहीं इनमें विसर्ग के जगह पर शाह, और कहीं कहीं मूर्धन्य शाह, और कहीं कहीं दंत शाह आते हैं। आपको ध्यान रखना है व्यंजन का अगर आपसे शुद्ध रूप पूछेगा तो हमेशा नीचे हलंत लगेगा। अगर व्यंजन का आपसे शुद्ध रूप पूछ रहा है कि व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होगा, तो हमेशा आप हलंत लगा के जो लिखा है वहां उदाहरण वहीं टिक करेंगे, ठीक है। स्वर आप अगर यहां देखें तो स्वरों की संख्या हमारे पास कितनी थी, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या केवल 10 है, लेकिन लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है। इस चीज को एकदम कंफर्म रखिएगा, सबसे पहले टॉपिक के रूप में कमेंट किया है उसने वर्णमाला में, तीसरा जो पॉइंट है। तो इसमें आप 13 जो है, 13 में से अंक आ हम हटा देते हैं तो मेनली जो हमारा योग होता है वो 10 या 11 से होता है, ठीक है। तो स्वर के अगर हम भेद देखें तो स्वर के पांच भेद बनाए गए हैं। सबसे पहला जो होता है ये दीर्घ संधि होती है, या दीर्घ आप स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ और हरस्व स्वर के बारे में मैंने इससे पहले टिप्पणी की है कि दीर्घ स्वर होते क्या, उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर जब आप स्वरों का भेद देखेंगे तो स्वर तीन प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हरस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ सर्ग, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये उच्चारण के आधार पर है, क्यों, क्योंकि जब हरस्व स्वर का उच्चारण आप करते हैं तो हरस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। कौन कौन से, केवल चार ऐसे हैं, आ ई उ री, ये चार हरस्व कहलाते हैं। इनके बाद जितने बचते हैं वो दीर्घ में होते हैं, सारे के सारे सात, ठीक। और जो विशेष रूप से प्लुत स्वर में वह आते हैं जो आपके नौटंकियों में जोकर बोलते हैं, यानी किसी भी शब्द को बहुत तेज जोर से खींच दिया जाए, जैसे बोलना है राम तो हम बोलते हैं राम, लेकिन वहां क्या होता है उसी शब्द को आप खींच दो। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है ब्यूटीफुल, हम बोलते हैं यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्चुअल में ब्यूटीफुल नहीं है, उसको बोलने का तरीका है ब्यूटीफुल, ठीक है, वो खींच के बोला जाता है। तो जब आप उसका प्रोनंसिएट करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं खींच के। तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जहां पर उनका उच्चारण थोड़ा खींच के होता है, हरस्व से ज्यादा दीर्घ से ज्यादा समय लग जाता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आगे अब हम बढ़ते हैं। कल एक पॉइंट मैंने ये भी कमेंट किया था कि जैसे अभी वीडियो के एग्जाम में एक क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका दीर्घ स्वर है, उसमें पहला जो दिया था ऑप्शन ए बड़ी, फिर दिया था छोट आपका ए, फिर ए, और फिर दिया था औ, ये चार ऑप्शन उसने डाले थे। इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा आपका
दीर्घ स्वर है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि दीर्घ स्वर वैसे तो हम जानते हैं उच्चारण के आधार पर दीर्घ में तो ए ए ओ और बड़ी सब होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ए ए ओ ओ ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। तो ये तीन आपके दीर्घ स्वर नहीं है, केवल बड़ी ई आपका एक कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर होगा। ये पूछा है, यही रिपीट किया था। ट्रिपल एससी में आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि पेपर जमा कराने के पीछे कहीं ना कहीं मकसद उसका यह भी है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप वन रक्षक का पेपर उठा लें, आप युवा विकास का पेपर उठाएं, यूपीपी का जो करंट पेपर हुआ है वो उठा लीजिए, ठीक, आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, अगले किसी भी एग्जाम में आप जो जाएंगे वहां पार्टिसिपेट करेंगे तो आप वीडियो के सारे सेट एक बार देख कर जाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। पहला होता है स्वर संधि, क्या पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा क्या होता है दीर्घ के बाद गुण संधि, गुण के बाद वृद्धि, और वृद्धि के बाद चौथा जो होता है ये होता है यण, इको यण इसी को बोलते हैं, यानी ई का या ऊ का वा री का रा जिसमें परिवर्तित हो वो यण संधि होती है, और सबसे लास्ट होता है अयादि संधि, ठीक। अयादि में ए आए ओ औ का मेल होता है तो इनमें परिवर्तन होता है, ए का आए और आए का आए और उसके बाद ओ का औ और औ का आओ में परिवर्तन होता है। तो एक एक पॉइंट अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, उनके उदाहरण देखते हुए चलेंगे कि दीर्घ संधि में किनका मेल हुआ, कौन से परिवर्तन हुए, गुण संधि में कौन सा मेल हुआ, इसमें इसके उदाहरण चारों समझ लेंगे, ठीक। फिर वृद्धि संधि में कौन सा मेल हुआ, कहां पर क्या परिवर्तन, वैसे गुण और वृद्धि पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि जहां पर आपको सिंगल मात्राएं मिल जाएं, ठीक, आपसे पूछे इसमें कौन सी संधि है वहां खट से मार दीजिए गुण, और जिसमें मात्राएं डबल हो जाएं वो कौन सी संधि है आपकी वृद्धि, ठीक, पहचानने का बहुत आसान सा तरीका है। अब हम एक एक चीजों को चलते हैं। व्यंजन में भी खासकर आपको लगभग 10 से 11 फार्मूले पढ़ने पड़ते हैं, वहां पर पूरा व्यंजन स्पष्ट हो जाएगा, वैसे है कई ज्यादा, लेकिन हमें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी के जरिए यह लाना है कि हमें व्यंजन संधि उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट होता है। विसर्ग संधि में भी 6-7 कई हैं ऐसे, इनमें विशेषता छा का मेल इसमें भी और इसमें भी, ता का स्पेशल सूत्र हमें पढ़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि विशेष नियम है कुछ 5-6 उनमें हुए, क्राइटेरिया अलग अलग, तो उनको सीखते हैं। देखिए मैं इस स्वर संधि को आपको मैथमेटिकली रूप से बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट कभी भी दिमाग से ना उतरे। वो कैसे होगा, सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास स्वर कितने हैं, एक एक में डिफ्रेंशिएट करूंगा, आप वैसे वैसे बढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप डाल लें स्वर संधि,